सबसे बड़ा ओम नाम सबसे आइए उस परम पिता परमेश्वर के नाम की व्याख्या करते हुए आप सभी के बीच भजन रखने का प्रयास है। आप सभी दचित होकर के सुनेगा क्या लिखा कि सृष्टि रचाने वाले दुख से बचाने वाले दिनों को दो सहारा मालिक है तू हमारा मालिक है तू हमारा मालिक है तू हमारा सृष्टि रचाने वाले दुख से बचाने वाले दिनों दे सहारा मालिक है तू हमारा भरा फूलों से और सागर में मोती नीले गगन से पानी बरसे नीले गगन से पानी बरसे ये है रानी होती अमृत पिलाने वाले बेमोल जी ने लिखी है क्योंकि यदि हम संसार पर दृष्टिपात करते हैं ना तो उस परम पिता परमेश्वर की इतनी सुंदर चित्रकारी इतनी सुंदर कलाकारी हम सभी को देखने को मिलती है। आप सभी अपने आसपास पेड़ पौधे देख रहे होंगे देखने में तो रंग सबका हरा है लेकिन पत्तियों की कतरन सबकी अलग अलग है। वो किसका प्रमाण देती है माताओं बहनों सज्जनों वो ईश्वर का प्रमाण देती है। इसलिए कविवर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है क्या चारों ओर जो दिख रही है ये तेरी फुलवारी हो चारों ओर जो दिख रही कल
चर थल चर और नभ चरी है ये सृष्टि की प्राणी हो। जल चर थल चर और नभ चरी है ये सृष्टि की प्राणी। पहुँच रहा मोल सभी पर पहुँच रहा सृष्टि रचाने वाले दुख से बचाने वाले दीनों को दो सहारा और मालिक है तू हमारा। क्योंकि बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना जब किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि फला व्यक्ति तो भगवान का प्यारा हो गया, लेकिन हमें क्या पता वो भगवान का प्यारा हुआ है या नहीं। अगर भगवान का प्यारा बनना ही है ना मातो बहनों सज्जनों तो जीते जी बन जाओ, उसकी आज्ञा को पालन करने लग जाओ, उस परम पिता परमेश्वर के प्यारे बन जाओगे।